वन का वन, विच इकोनॉमिक्स नेम्ड मार्केट सिस्टम एज इनविजिबल हैंड? कौन सा इकोनॉमिक्स बोला था कि मार्केट सिस्टम इनविजिबल हैंड है? एडम स्मिथ. कौन बोला था? टू प्रोड्यूस एनी कॉमोडिटी कॉस्ट टू सोसाइटी एज होल नोन एज है, समाज के लिए खर्चा करोगे ना उसे सोशल कॉस्ट कहते. क्या कहते? दैट इज डेवलप्ड कंट्री. कौन सा इसमें से डेवलप है? जापान. कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन्वेस्टमेंट? इन केस ऑफ विच टैक्स द टैक्स पेयर ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर? इनडायरेक्ट टैक्स. कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स में अपना बर्डन किसी और को दे देंगे. इनडायरेक्ट टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें? बोलो. गिविंग लोन टू पब्लिक. ये जनता को लोन नहीं देता है. जनता का लोन डी नंबर. द नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए. कितना लोग चाहिए? मीडियन निकालना है. मीडियन कैसे निकलेगा? 2, 4, 6, 7. 60 है. कितना भाई? 7 है. तो पहले करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग इन 8 नंबर छूट गया. इफ एवरेज प्रोडक्ट एंड आउटपुट इनपुट इंक्रीजिंग. एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हम एवरेज प्रोडक्ट है. एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? एवरेज प्रोडक्ट लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट. सी नंबर होगा. माने मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, उसको दूसरे भाषा में बोलेंगे सी नंबर. आओ भाई, सबसे पहले अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे. सबसे छोटा क्या है भाई इसमें? देखो तो 30 है. फिर क्या है? 36. फिर उसके बाद? उसके बाद पगला 55 का है. वह 55 हाँ, 55, 56. फिर 65, 70 यही है ना. अरे देखो, अरे यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, सजा लेंगे ऐसे. 30, 36, 48, 55, 56, 65, 70. पहला करना अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में सजाओ. बचपन में ऐसा तुम लोग भर भर के पढ़े होगे, समझ रहे हो? कितना है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितना भाई? 7. 7 ये जो संख्या है ऑड है कि इवन है? ऑड है. 7 क्या? ऑड है. मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2th term. n कितना? 7 + 1, 8/2. कितना हो रहा भाई? चौथा टर्म. कितना हो रहा? कितना आ रहा? 1, 2, 3, 4. चौथा टर्म 55 है. करेक्ट आंसर 55 होगा. करेक्ट आंसर कितना होगा? 55. कितना को नहीं समझ में आया बोर्ड में दिखाते हैं. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर इन 92nd इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सुन लो, पहला वाला 1948, दूसरा वाला 1956 और नया वाला 1991 लिखवाए थे. सबसे पहला वाला 1948, दूसरा वाला 1956 और नया वाला ठीक है आ जाओ. अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज द क्रिएशन थ्रू डैश यूटिलिटी थ्रू प्रोसेस ऑफ यूटिलिटी होगा. द नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या भाई? लैंड. क्या है? भगवान दिया, भगवान ने दिया इसको. इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम ऑल प्रॉब्लम आर सोल्व बाई प्राइज मैकेनिज्म. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कौन सा इकोनॉमी? डैश हैज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी थ्रू इज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. मार्क्स रे बाबा, पहले ही चैप्टर में था ना मार्क्स का थ्योरी पर, दूसरा ना दूसरा चैप्टर में था. हाँ, इफ द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इनकम दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स. है इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं. ट्रू है. इफ अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी अदर इंडिविजुअल ऑफ ए सोसाइटी और फर्म्स आर बेनिफिटेड दैट इज सेड टू बी डैश एक्सटर्नल इफेक्ट. कौन सा एक्सटर्नल इफेक्ट? पॉजिटिव होगा. मेंशन वन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का एक फायदा बताना है. इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. इट इज प्रोग्रेसिव इन इट रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है. इनकम इनइक्वालिटी को क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन. डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द व्यक्तियों के इनकम में लगाते हैं भाई डायरेक्ट टैक्स. राइट वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन. इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्ट टैक्स नॉट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई का कारण नहीं बनता है. इनडायरेक्ट टैक्स कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई का कारण बनता है. उसके बाद देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड डैश रेट. क्या बोलते हैं भाई? बैंक रेट. क्या बोलते हैं? वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल. एगो नाम बताना है क्रेडिट कंट्रोल का.
वेरिएबल रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलो इन अ सिंगल ओनरशिप ऑफ ए फर्म टोटल यूटिलिटी इज बॉर्न बाय कौन भाई ओनर सारा का एज टोटल लायबिलिटी इज बॉर्न बाय सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा लायबिलिटी कौन उठाएगा ओनर कौन उठाएगा। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट प्लस फैक्टर क्वांटिटी ट्रू है भाई। चलो आगे बढ़ते स्टेटिस्टिकल डेटा टू टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ दो तरीका का होता है प्राइमरी माने अपने लिए सर्च करेंगे डेटा को अपने लिए क्या करेंगे और सेकेंडरी माने किसी और का सर्च किया हुआ लेकिन इस्तेमाल कर लो उसको कहते हैं सेकेंडरी क्या कहते हैं। चलो ट्रू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड है सबसे ज़्यादा बार क्या आया इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आंसर होता है करेक्ट आंसर थ्री करेक्ट आंसर जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा वो मोड होता है ठीक है। चलो नेम वन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया। व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में मेन सेंटर कौन सा है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 लिखवाए थे ना ठीक है। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी का दो विशेषता बताना है लो पर कैपिटा इनकम लो जीडीपी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई पॉपुलेशन हाई बहुत जनसंख्या रहता है कॉपी के कोई काम नहीं तो जनसंख्या ही ना करेगा। मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स इकोनॉमी का दो डिसएडवांटेज बताना है दो क्या बताना है क्या हो सकता है डिसएडवांटेज बताओ मिक्स इकोनॉमी इंडिया है मिक्स इकोनॉमी क्या है डिसएडवांटेज बताओ बोलो इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ इनकम एंड इनइक्वल इनकम इनइक्वल इनकम कम होगा किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा इन इनइक्वल वेल्थ किसी के पास धन कम होगा किसी के पास धन ज़्यादा होगा सबके पास धन बराबर है सबका इनकम सेम है तो यही तो लिखना है रे बाबा इनइक्वल इनकम इनकम इनइक्वल वेल्थ समझे। बताइए यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सभी का घर का आमदनी जो होगा समान नहीं होगा सेम नहीं होगा किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा किसी को बहुत ज़्यादा होगा किसी का बहुत कम होगा समझे। धन संपत्ति धन भी किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा किसी के पास थोड़ा होगा किसी के पास नहीं होगा किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा है ना। तो वेल्थ इनइक्वल होता है और इनकम भी इनइक्वल होता है समझे क्या बोले कि नहीं समझे बोलिए। अब पुबर्टी पुबर्टी अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या पाया जाता है पुबर्टी गरीबी का समस्या पाया जाता है समझे। अंडर एम्प्लॉयमेंट काम है तो महीना कम मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार का समस्या मिलता है समझे। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या भाई व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आर्थिक विकास रे बाबा कब कब आर्थिक विकास होगा जीडीपी ज़्यादा रहेगा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। चलो नेक्स्ट गिव टू एग्जांपल ऑफ लेस डेवलप कंट्री लेस डेवलप माने जो डेवलप नहीं है पाकिस्तान इंडिया चाइना श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल भूटान। चलो व्हाट डज द स्टेज ऑफ रिसेशन ऑकर इन बिजनेस साइकिल बोला जा रहा कौन सा स्टेज में रिसेशन है रिसेशन का मतलब समझा रिसेशन माने क्या होता है भाई एराइज नॉर्मल प्रॉफिट एराइज कौन सा प्रॉफिट दाल रोटी चल रहा है रिसेशन है मंदी है समझा स्लम डाउन में बिजनेस है बोलते हैं दाल रोटी चल रहा उतना मज़ा नहीं है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बिजनेस का दो विशेषता कैपिटल प्रॉफिट मोटिव फोरकास्टिंग कैपिटल प्रॉफिट मोटिव फोरकास्टिंग हाई रिस्क हाई विशेषता है बिजनेस का। What is share capital? Share capital is the part of total capital of the company. Part of total capital of the company. इसे हम क्या कहते हैं share capital? क्या कहते हैं? What is production function? Production function is the functional relationship. या production function is the relationship between input and output. Input and input और output के संबंध को production function कहते हैं। जब समझा रहे होंगे तो बोले होंगे पंखा है output इसका बनाने वाला सामान है input. आपका शरीर है output अंदर में जो part है इनपुट अंदर में पार्ट है ना स्केलेटल सिस्टम है मसल्स है ना भाई है स्केलेटल सिस्टम है ठीक है। अरे कंकाल कंकाल रे बाबा स्केलेटल सिस्टम बोले कंकाल वह कंकाल फेंक दिया माने स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा उसका ऐसा बोलते नहीं है इतना कमजोर क्या कंकाल फेंक दिया माने उसका स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है हड्डी फड्डी दिखाई दे रहा समझा ठीक है। चलो चलो अरे व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर बोला लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड समझ पा रहे हैं
तो आउटपुट और इनपुट के जो संबंध को दर्शाएगा उसी को तो लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं, कितना रिटर्न आया, कितना रिटर्न आया। उसके बाद देखो क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ सिलेबस से पूछा है, 12 वाला पढ़ा 11 में पूछ लिया है जो सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख देना, ज्योमेट्रिक मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वेरिएबल, स्क्वायर रूट ऑफ कुछ नहीं तो फार्मूला लिख देना एन एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री, ऐसे चढ़ा के ऐसे, रे बाबा ऐसे रूट मार देना। यहाँ एक्स वन देख रहे हो, देख रहे हो, देखो एक्स वन इंटू सब तो एक से लग रहा है, छोटा एक्स लिखना होगा, छोटा एन एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स एन डॉट 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 ज्योमेट्रिक ऐसे रे बाबा सर, हो गया सर, रूट मार के लिखवाए थे तो क्लास में कराते समय, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बदाम कर रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे लिख लो फॉर्मूला एन रूट ओवर एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट। चलो नेक्स्ट क्या भाई, हाँ राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, एगो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, एगो एडवांटेज एगो दो सॉरी एगो एडवांटेज एगो डिसएडवांटेज बताना। एडवांटेज क्या है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट, डिसएडवांटेज क्या है, इजी टू कैलकुलेट नहीं है सर, नहीं नहीं इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड किया गया, डिसएडवांटेज मतलब सख्ती से पैसा किया गया, नहीं समझे, अब मैथ में बोल देते हैं ना कि ऐसे नियम से बना मतलब वैसे ही नियम करना होगा, तुम अपना नियम नहीं लगा सकते, तो रिजिडली है, जैसे ये अपने जबरदस्ती लगा रहा था तो हम बोल दिए तुम्हारा राज नहीं है, पूरा खोलो मत, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट एडवांटेजेज, डिसएडवांटेजेज क्या है, इट इज रिजिडली डिफाइंड, समझ पा रहे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज अ मैंने समझने में दिक्कत होता है लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट हुआ है जनसंख्या क्या, हाँ वही वो लिखना है, लिखवाए थे क्लास में। गिव टू एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडेड सर्विस सेक्टर, ये सेवा देने वाला उद्योग का नाम बताना है, बैंक इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस कम्युनिकेशन, बैंक इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस कम्युनिकेशन। व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया लॉन्च बाय द इंदिरा गांधी, लॉन्च बाय द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ा देना, समझ पा रहे हैं, तो यूज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन, यूज पेस्टिसाइड्स, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इधर सुनिए नहीं रे बोले, इंग्लिश में बोल रहे हैं, नहीं सुनिए हिंदी में बोलने दो, किसका बात का ग्रीन रिवॉल्यूशन, किसका सुना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, हरित क्रांति मैंने बढ़िया किस्म का बीज का प्रयोग करो, सिंचाई बढ़िया से करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करो, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में बोला गया। चलो नेक्स्ट वन डिफरेंस फूड क्रॉप्स कैश क्रॉप्स है, खाने के लिए जो फसल हो रहा है उसे फूड क्रॉप्स, बेचने के लिए जो फसल कर रहे हैं कैश क्रॉप्स, खैनी 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 का खेती कर रहे हैं, चाय का खेती कर रहे हैं, समझ पा रहे, खैनी चाय समझे, कॉटन रॉ जूट ये सब कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स गांजा पाजा इलीगल है, बात बात करो, हाँ फूड क्रॉप्स जो भोजन खाने के लिए खेती करते हैं, राइस पोटैटो वीट टोमेटो, समझे पोटैटो को भाई टोमेटो। चलो आगे बढ़ते आज हाँ पम्पकिन क्या बोल रहा, लौकी पॉकी बोलो, हाँ चलो व्हाट डू मीन बाय ज्वाइंट सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर द बिजनेस इंटरप्राइजेज व्हिच आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, इसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर, क्या कहते हैं, ऐसा बिजनेस इंटरप्राइजेज जिसको कौन मेंटेन करता है भाई, सरकार भी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मेंटेन करेगा, इसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, कंपेयर द इंडियन एंड जापानीज इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन में तो जापान को हम लोग पानी पिला देंगे बेटा, ये कोई स्टेट खाली दे दो यूपी सबको संभाल लेगा, अमेरिका पाकिस्तान जापान को तो कुछ समझ में नहीं करेगा, बिहार ही संभाल लेगा, बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, यस बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है, समझा, हाँ पाकिस्तान का जनसंख्या तो 22 करोड़ है, यूपी का जनसंख्या 25 करोड़ समझे, तो जनसंख्या में तो हरा देंगे जापान को, है पर कैपिटा इनकम में लेकिन हार जाएंगे, मैंने प्रति व्यक्ति है वो लोग का ज़्यादा है। चलो
नेक्स्ट स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड. स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइज एंड कॉमोडिटी. वेन प्राइज राइजेज डिमांड विल बी फॉल. प्राइज फॉल डिमांड विल बी राइजेज. अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड. अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी में प्राइस मैटर नहीं करता है. समझे? उसके पास कार है तो मेरे पास भी कार, समझा? हाँ, मैंने लेना है. समझे? वो ठेवना लगा के खड़ा है तो हमको भी ठेवना लगा के खड़ा हो जाना है. मैंने जैसे है वैसा बन जाना है. समझे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बेबलन इफेक्ट. कितना लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा लेना मैंने एक नंबर माल है? बेबलन इफेक्ट, एडिक्शन, आदत हो गया है. आदत में पैसा मैटर नहीं करता है. स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ये सब एक्सेप्शन है. चलो आगे बढ़ते. व्हाट इज मीन बाई सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व क्या होता है भाई? अपवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई कर्व क्या होता है? प्राइस राइजेज, सप्लाई राइजेज. प्राइस राइजेज, सप्लाई कर्व. देख लो कैसा होता है. ये देखो सप्लाई कर्व कैसा होगा. ऐसे टान देंगे दो लाइन, दो लाइन टान देंगे. पीछे वाला देख नहीं रहा क्रिकेटर, वो बोल रहा है कि हम तो अपने लाइन टान लेंगे. इधर देखो अगला कहीं का दो हजार. ऐसे फिर एक तो टान लेंगे, ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग देख रहे हो, ऐसे टान लेंगे, देख रहे हो? आप फिर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे देख रहे हो, देख रहे हो? यही है सप्लाई कर, यही क्या है? सप्लाई कर, सप्लाई. उसके बाद क्या भी? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर पाए. अपवर्ड स्लोपिंग तो बता ही रहे हैं कि प्राइस राइज है, सप्लाई राइज है. प्राइस राइज है, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. चलो अपवर्ड स्लोपिंग माने ऊपर की तरफ. उसके बाद डिफाइन इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स. कौन सा? टू डिफरेंट सिचुएशन में कितना चेंज हुआ उसके लिए इंडेक्स नंबर का प्रयोग करते हैं. समझे? प्राइस इंडेक्स क्यों बनाते हैं? प्राइस को चेक करने के लिए. व्हाट इज एक्सचेंज रेट? करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट. इट्स कॉल्ड, जैसे डॉलर लेना हो तो 5,000 रुपया देना होगा. कितना रुपया देना होगा? इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट. क्या कहते हैं? चलो डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल. टेबल का पार्ट समझाए थे रे बाबा. हेडिंग, कैप्शन, हेडिंग, कैप्शन, टाइटल. हेडिंग, कैप्शन, टाइटल और क्या? सब हेडिंग और क्या? फुट नोट. समझ पा रहे हैं लोग? टच नोट. अरे टच नोट नहीं, फुट नोट. हाँ, पार्ट्स ऑफ टेबल है. पार्ट्स ऑफ, कैलकुलेट द मीडियन. सवाल बना लेना. जिसको नहीं आता मीडियन, प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है मीडियन का, देख लेना. वहाँ तुमको नहीं वीडियो मिल रहा तो स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सैम वन, स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सैम वन. वहाँ मीडियन का पूरा एकदम डिटेल्स में है. खाली मीडियन का अलग से भाई, स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सैम वन. चलो उसके बाद देखो क्या भाई. व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई यूनाइटेड नेशन. मिनिमम वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. चलो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या भाई? लॉन्गेविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लॉन्गेविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सुन रहे हैं आप? लॉन्गेविटी माने लॉन्ग लाइफ, नॉलेज होना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने रहन सहन बढ़िया होना चाहिए. समझे? अच्छा रहन सहन होना चाहिए. समझे? हाँ. उसके बाद देखो क्या है. डिस्कस द 5 मेजर्स अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरिगेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. ऐ बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सा इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च लाया. टैक्स लाया भाई, प्रोग्रेसिव टैक्स लाया. कौन सा टैक्स लाया? प्रोग्रेसिव टैक्स लाया. रिग्रेसिव टैक्स लेके आया. समझे? बहुत सारा योजना लेके आया. हाँ, फूड पॉलिसी लेके आया, फूड प्रोग्राम लेके आया, मिड डे मील लेके आया. समझे? कि धनी का बच्चा अपना पैसा से खा के पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सरकार का पैसा खा के पढ़ेगा. पर पढ़ेगा दोनों मिड डे मील. पता चलता चला स्कूल का टीचर लोग खा जाता है आधा माल बच्चा को मिलता है. टीचर लोग बोलता है मेरे लिए थोड़ा स्पेशल बनाओ, बच्चा के लिए जाली बनाओ. किसका बात करें? मिड डे मील. और जो ईमानदार टीचर ऐसा नहीं करते हैं. चलो ईमानदार लोग है पृथ्वी. तो हम मिड डे मील वाला पार्टी नहीं ना है भाई. स्टेट द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का. अब आपको फीचर्स बताना है. LPG मॉडल, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में क्या बोला गया? सारे रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंस, कोटा को हटाओ, एक्सेप्ट फ्यू. एक्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन में डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले, पब्लिक सेक्टर के काम को कम किया जाए. रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. किसका बात करें? प्राइवेटाइजेशन. किसका बात करें? ग्लोबलाइजेशन है. दूसरा देश से सब कैपिटल का लेन देन, ह्यूमन का लेन देन,
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब सिस्टम में हो, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में तीन मुद्दा लिया गया था जिसको एलपीजी मॉडल कहते हैं, लिखवाए थे क्लास में। उसके बाद देखो, हाँ लिखवाए थे, जिस नहीं लिखा लिख लेना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का रोल बताना है। एम्प्लॉयमेंट दिया, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, समझे। नीचे लैंड रिफॉर्म्स मैंने भूमि का सुधार करना। ऑपरेशन बरगा क्या होता रे बाबा, ऑपरेशन बरगा इज द लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट लॉन्च बाई द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ऑपरेशन बरगा को कौन चलाया था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कौन चलाया था? टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ शेयर क्रॉपर्स, टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ शेयर क्रॉपर्स का नाम को लिखने के लिए। यहाँ पे इलीगल जमीन ज़्यादा है, इलीगल माने जमींदार उस पर कब्जा किया था लोग। सरकार आया तो बोला कि अरे जमींदार का कैसे जमीन हो गया, ये तो हमारा जमीन है। सरकार बोला जितना लोग भाड़ा देता था सबको बोल दिया, आइए आप लोग, आपके नाम से टैक्स का बिल कर देते हैं, आप जमीन का देख रेख करिएगा, उसमें रहिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप भाड़ा जमींदार को मत दीजिए, हमको दीजिए। सरकार के पास लोग जाके सब अपना नाम लिखवा लिया, इसको कहते ऑपरेशन बरगा। सरकार बोला था घर उर बनाइएगा तो हमसे पूछ कर बनाइएगा, झोपड़ी टांग के रह सकते हैं आप, लेकिन लोग बिना पूछे बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हैं, यही निकल हो गया ना। सरकार तो इसी दी आपको रहने के लिए, मालिक थोड़ी है सरकार, मालिक जमीन का मालिक कौन है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, समझे। चलो किसका बात कर रहे हैं? ऑपरेशन बरगा किसका बात कर रहे हैं? समझ गए हैं, ठीक है। इसी के साथ पेपर कम्प्लीट होता है।